सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह का होता है, एंड और नॉट। तो जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे उसमें हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। ये ट्रूथ टेबल जानना बहुत ही जरूरी है अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ट्रूथ टेबल सीखते हैं तो उसमें जानना पड़ेगा f इक्वल टू फॉल्स, t इक्वल टू ट्रू, जिसमें f का वैल्यू होता है फॉल्स और t का वैल्यू होता है ट्रू। तो यहां में जितना भी हम लोग ट्रूथ टेबल लिखा है सब में हमने दो वेरिएबल, टू वेरिएबल ट्रूथ टेबल लिया है। फर्स्ट वेरिएबल इज x, सेकेंड वेरिएबल इज y और उसके बाद हमने आउटपुट लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एंड, एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। तो दो वैल्यू है हम लोग के पास में, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, चार कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो अगर हम लोग एंड ऑपरेटर कर रहे हैं तो अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होता है तो आउटपुट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। उसका बाद अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स होता है, सेकंड वैल्यू ट्रू होता है, तब भी क्या होगा, आउटपुट फॉल्स होगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू होता है, सेकंड वैल्यू फॉल्स होता है, तब भी आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू होता है, सेकंड वैल्यू भी ट्रू होता है, तब भी जाके क्या होगा, जो आउटपुट है वो ट्रू होगा। तो एंड ऑपरेटर से हम लोग को एक चीज जानने मिला, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होता है तभी जाके हम लोग का आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज एक भी अगर हम लोग का वैल्यू अगर फॉल्स होता है, या तो दोनों वैल्यू या तो सब वैल्यू अगर फॉल्स होता है, तब हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब एंड ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए उसका सारा जो कंडीशन है, सारा कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जानते हैं और ऑपरेटर। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं और ऑपरेटर में भी मैंने दो वेरिएबल लिया है, इसमें भी कॉम्बिनेशन सेम बनता है, फॉल्स फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होता है तब आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट फॉल्स देन ट्रू, इसका ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स, इसका भी ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू होता है तब भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो और ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल है, इससे हम लोगों को जानने मिला अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होता है तभी जाके हम लोग का जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो फॉल्स मिलेगा। अगर एक भी जो वैल्यू है वो अगर ट्रू हो जाता है तो सारा जो जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एक कंडीशन हो गया एंड एंड एन ऑपरेटर का और ऑपरेटर का, दोनों का ट्रूथ टेबल, ये हो गया हम लोग का कंडीशन। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इनवर्स करता है ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कोई वेरिएबल मैंने नहीं लिया है, इनपुट और आउटपुट दिया है। अगर इनपुट का वैल्यू फॉल्स होता है तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अगर इनपुट का ट्रू होता है तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। मैं तो ये रिकमेंडेशन करूंगा कि आप ये जो ट्रूथ टेबल है लिख लीजिए ताकि जो फर्दर स्टडी है उसमें आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो। तो चलिए एक हर एक ट्रूथ टेबल को हम लोग एक एग्जाम्पल का साथ में समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, सपोज एन वन इक्वल टू मैंने डिक्लेयर किया 30, एन टू इक्वल टू 20, एन थ्री इक्वल टू मैंने डिक्लेयर किया 10। तो मेरा एन वन का जो वैल्यू है वो है 30, एन टू का वैल्यू 20 और एन थ्री का वैल्यू 10। ये मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है अलग अलग वैल्यू से। अभी मुझे एन ऑपरेटर से चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम देखते हैं n1 greater than n2,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एन वन क्या है, एन टू से बड़ा है। एन वन का वैल्यू 30 है और एन टू का वैल्यू क्या है, 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज नहीं किया है इस ऑपरेशन में। अभी मान लीजिए हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन करेंगे, एन वन ग्रेटर देन एन टू, उसके बाद में हमें एक स्पेस देना है एंड एन वन ग्रेटर देन एन थ्री। तो इसमें एक चीज देखिए आप, एन वन ग्रेटर देन एन टू, क्या एन वन एन टू से बड़ा है, हाँ एन वन एन टू से बड़ा है, एंड एन वन ग्रेटर देन एन थ्री, एन वन ग्रेटर देन एन थ्री, मतलब यहाँ में एंड ऑपरेटर हमने दिया है, तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ही जाके हम लोग का जो आउटपुट है वो ट्रू होगा। तो यहाँ में दोनों ही कंडीशन फुलफिल है, एन वन एन टू से भी बड़ा है और एन वन एन थ्री से भी बड़ा है, तो हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग ऐसे करते हैं, मान लीजिए एन टू ग्रेटर देन एन वन एंड एन वन ग्रेटर देन एन थ्री, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां में लिखा है एन टू ग्रेटर देन एन वन, एन टू को एन टू मतलब 20 ग्रेटर देन 30, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, 20 30 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स ये जो है कंडीशन, इससे क्या होगा, हम लोग का फॉल्स निकल के आएगा। और ये जो मैंने लिखा है एन वन ग्रेटर देन एन थ्री, एन वन का वैल्यू 30 है, एन टू का वैल्यू सॉरी एन थ्री का वैल्यू 10 है, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है, जो हम लोग का आउटपुट है वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो ये हम लोग का हो गया एंड ऑपरेटर का फंक्शन। याद रखिए एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन, या तो अगर दो से ज़्यादा भी होता है, सब कंडीशन हम लोग को फुलफिल होना पड़ेगा, सब कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, तभी जाके आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए अभी जानते हैं और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या था, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तभी जाके हम लोग का ट्रू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रू आया है, तो इसमें भी अगर हम यूज करते हैं और ऑपरेटर, तो इसमें क्या होगा, आप देख लीजिए यहां में जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो गया, जो आउटपुट है वो ट्रू हो गया। एन टू ग्रेटर देन एन वन, एन टू एन वन से क्या है, बड़ा नहीं है, देखिए एन टू का वैल्यू क्या है, 20 है, एन थ्री का वैल्यू क्या है, 30 है, तो एन टू 20 कभी भी 30 से बड़ा नहीं होगा, तो मतलब एक कंडीशन जो है क्या है, हमारा फॉल्स है। लेकिन यहां में क्या होगा, एन वन ग्रेटर देन एन थ्री, एन वन का वैल्यू एन थ्री से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स, सेकेंड वाला कंडीशन मेरा ट्रू, लेकिन फिर भी जो आउटपुट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन अगर हम लोग का फुलफिल होता है तो ही आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ए हो गया हम लोग का और ऑपरेटर। तो अभी हम लोगों को देखना है नॉट ऑपरेटर, जो कि इन्वर्ट करता है। अभी सपोज मान लीजिए मुझे लिखना है एन वन ग्रेटर देन एन टू, क्या एन वन एन टू से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एन वन का वैल्यू 30 है, एन टू का वैल्यू 20, इसको एंटर कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग को एक ऐसा कंडीशन बिठाना है जो कि इससे हम लोग को आउटपुट फॉल्स चाहिए, तब हम लोग नॉट लिख देंगे, नॉट एन वन ग्रेटर देन एन टू, अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तब हम लोग का कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जो नॉट होता है वो क्या होता है, आउटपुट को इन्वर्स कर देता है, अगर फॉल्स होता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू होता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसी का ऊपर डिपेंड करके यहां में जो आउटपुट था एन वन ग्रेटर देन एन टू, इसका आउटपुट था ट्रू, लेकिन मैंने नॉट यूज किया, इसके लिए आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ए हम लोग का हो गया तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट हम लोग का आता है वो आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स यूज टू वैलिडेट द मेंबरशिप ऑफ ए वैल्यू, इट टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन ए सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल।
फॉलोइंग आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करता है, एक स्ट्रिंग में दूसरा एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करता है, या तो एक लिस्ट या तो एक टपल में दूसरा एक वैल्यू स्टोर है कि नहीं वो चेक करता है। तो जैसे कि हमें मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने डिस्कस किया है इन नॉट इन, तो चलिए दोनों को एग्जांपल के साथ में हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए मैं हमें लिख रहा हूँ, मान लीजिए एन इक्वल टू, मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा है एन इक्वल टू अभिजीत। उसका बाद मैंने लिखा है एफ एन फुल नेम इक्वल टू, मैंने लिखा है फुल नेम इक्वल टू, मैंने अपना नाम लिखा है अभिजीत पाल। तो अभी मुझे चेक करना है ये जो एन है वो एन का एफ एन में प्रेजेंट है, मतलब फुल नेम में क्या नेम प्रेजेंट है वो मुझे चेक करना है। एन इन एफ एन, एन इन एफ एन मतलब क्या एन एफ एन में प्रेजेंट है, एंटर, क्या है आउटपुट, ट्रू, यस, ये जो एन है वो क्या है एफ एन में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एन था अभिजीत और एफ एन था अभिजीत पाल, तो इसमें क्या है जो अभिजीत वर्ड है ये वर्ड एफ एन में भी प्रेजेंट है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लिखते हैं एन नॉट इन एफ एन, इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब एन क्या है एफ एन में क्या नहीं है, नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सपोज मैंने सपोज एक वेरिएबल ले लिया, मैंने सपोज ए इक्वल टू, मैंने सपोज एक लिस्ट ले लिया 10, 20, 30, ये एक मेरा लिस्ट हो गया। तो अभी मुझे चेक करना है, सपोज मान लीजिए 10 इन ए, ट्रू, मतलब क्या है 10 क्या ए में है, यस, ऑब्वियसली ए का वैल्यू क्या है 10, 20, 30, तो 10 ऑब्वियसली ए में है। तो वैसे ही 10 नॉट इन ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखता हूं 15 इन ए, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 15 क्या है ए में नहीं है, लेकिन 10 क्या है ए में है। 10 नॉट इन ए मतलब पूछा है कि क्या ए में नहीं है, हाँ ऑब्वियसली है, तो इसके इसलिए इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ए जो है ए हम लोग का हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो आफ्टर मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो नेक्स्ट है वो हम लोग का आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज टू डिटरमाइन वेदर ए वैल्यू इज ऑफ ए सर्टेन क्लास और टाइप। They are usually used to determine the type of data a certain variable contains. मतलब एक की एक जो variable है या तो जो object है उसका identity check करने के लिए use किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है is not, ये दोनों हो गया identity operator। तो चलिए एक example का साथ में समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ a इक्वल टू 10, मैंने सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया b इक्वल टू 10.5, मैंने थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया c इक्वल टू अगेन 10। ये मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, a का वैल्यू क्या है 10 है, b का वैल्यू 10.5, c का वैल्यू फिर से मैंने लिखा है 10। तो अभी मुझे चेक करना है a इज b, फॉल्स, मतलब क्या ए और ए क्या बी है, मतलब ए और बी का वैल्यू क्या इक्वल है, नहीं है, अलग अलग है। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10, सॉरी ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10.5 है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या आया है, फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए इज सी तब क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते ए और सी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ ए इज नॉट बी तब आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए इज नॉट बी, ए बी का इक्वल नहीं है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखता हूँ ए इज नॉट सी,
तब इसका आउटपुट जो है ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो ए हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, जितना भी मैंने नोट्स दिया है, मैंने जो स्लाइड में आया है वो आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए और एक एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक का साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।